हाय सो सब कुछ मेरी लाइफ में नॉर्मल चल रहा था और मैं सुबह उठा, मैंने दीवार को देखा कम से कम 15-20 मिनट तक और वो मेरा नॉर्मल रूटीन है। फिर मैं उठा, मैंने देखा बाजू में मेरा फ़ोन पड़ा है, मैंने फ़ोन उठा के देखा तो सब कुछ ठीक था, लोग लाइक्स कर रहे थे, फ़ोटो सब सही चल रहा था, कमेंट्स आ रहे थे, सब ठीक था, कुछ भी अद्भुत और अलग नहीं था। फिर मैंने फ़ोन साइड में रख दिया 5 मिनट के बाद। फिर मैंने अपनी दिनचर्या शुरू किया, मैं उठा, मैंने पानी वानी पिया, चाय पी, के बाद में क्या होता है, मैंने देखा मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आई। जी हाँ, नोटिफिकेशन। उस नोटिफिकेशन में मुझे एक पर्सनल मैसेज आया था, DM, डायरेक्ट मैसेज कहते हैं उसको, इंस्टाग्राम पे आया था। तो उसमें एक प्राणी ने, एक इंसान ने मेरे को मैसेज भेजा कि रिजुविनेट योर सेल्फ, मसाज के लिए उसने मुझे कहा कि रिजुविनेट योर सेल्फ, पर्सनल मसाज, वी कैन विजिट योर होम, ऐसा उसने लिखा था उस इंसान ने। मैंने कहा क्या होगा, तो लेकिन उसकी जो डिस्प्ले पिक्चर थी वो बहुत ही अद्भुत सी थी, मतलब कि क्या बताऊँ मैं आपको। अरे बहन, कि आप सोच रहे होंगे उसी DP में ऐसा क्या था कि मेरा ऐसा रिएक्शन है। अजी आप एक बात बताओ, आप अपना फोन खोलो, चलो मैसेज तो ठीक है, एक DP में एक बंदा गंदी सी थुलथुली सी बॉडी लेके पूरा पूरा नंगा खड़ा हुआ, और मतलब कि उसकी गर्दन भी नहीं दिख रही है कि बंदा कौन है, चेहरा तो पहचान ले कौन है, मुंह दिखाना चाह रहा है, अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, शायद नंगा घूमता हुआ घर में या दोस्तों के साथ नंगा रोड पे घूमता हुआ, सबकी पर्सनल चॉइस होती है, कोई तकलीफ नहीं हो। अब इतना तो मुंडी दिखा रहा है, पूरा पूरा नंगा खड़ा हुआ है फोटो में, हद है यार। तो मैंने कहा चलो ठीक है, होता है यार, चलो होगा, अगर लोगों को शौक होते हैं कि हम भाई नंगी फोटो खिंचाएंगे जिसमें हमारा मुंह नहीं होगा, और हम ऐसे लोगों को सुबह उठ के मैसेज भेजेंगे रिजुविनेट योर सेल्फ एंड पर्सनल मसाज के, ऐसे लोगों का बिजनेस प्लानिंग होगी इनकी की ये करेंगे। बट भाई चलो, मैंने ये भी डाइजेस्ट कर लिया, उसके बाद में मुझसे एक और बहुत बड़ी गलती हो। अरे बात, मैंने गलती से उसकी प्रोफाइल को क्लिक कर दिया, और प्रोफाइल को क्लिक किया तो उसकी प्रोफाइल तो खुलेगी भाई, इंस्टाग्राम तो ऐसे ही चलता है। प्रोफाइल क्लिक की तो उसकी प्रोफाइल आ गई, प्रोफाइल में बंदे की 0 फोटो, और इस इंसान को 95 लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, पता नहीं कौन से प्राणी है, कौन से इंसान है, इसको देख के लग तो नहीं रहा कि कोई उसको फॉलो कर रहा होगा, या फिर मुझे लग रहा है इसने खुद ही ने 95 प्रोफाइलें बनाई होंगी खुद को फॉलो करवाने के लिए। बट ये बंदे का पैशन देखो, नेक्स्ट लेवल, कम से कम 1000 से ऊपर लोगों को ये फॉलो कर रहा है और करता जा रहा, हार ही नहीं मान रहा। ये मोटिवेशन देखो उसका, नेक्स्ट लेवल पैशन है इस बंदे का, फॉलो कर रहा है सबको, मतलब कि अगर कल को आप गली से बाहर निकलो तो बड़ी बात नहीं है, आपके पीछे नंगा घूम रहा फॉलो कर रहा हो, तो ये बंदा फॉलो कर रहा है सबको, करता जा रहा है, और हार ना माने भाई साहब। और पता है इस इंसान की प्रोफाइल में इसका नाम है जिंस्टा खान, नाम है इसका, बताओ जिंस्टा खान, पता नहीं क्या इसको कूल सा नाम लग रहा है, जिंस्टा खान क्या कूलनेस है इसमें, यही जाने, कुछ तो इसको कूल दिखा हुआ है इसमें, तभी इसने नाम रखा है जिंस्टा खान, मैं इस नाम से प्रोफाइल बनाऊंगा, इसने ये सोचा होगा, प्रोफाइल बना दी इसने। इंस्टाग्राम इन लोगों को ब्लॉक क्यों नहीं करता यार, इन लोगों के मुंह पे जूता फेंक के क्यों नहीं मारता, नहीं चप्पल क्यों नहीं मारता भिगो के गुद्दी पहन के, इंस्टा खान बताओ। और यहाँ मेरा खून जल रहा है, वो घर पे सो रहा होगा आधा नंगा नंगा लेट के, सर कटी सी सेल्फीज भेज रहा होगा लोग, और मैं यहाँ पे किला सा रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। ऐसी वीडियो बनानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऐसी बातों, ऐसे मुद्दों पे जागरूकता हो, एक कॉज हो जो कि सपोर्ट करे, या फिर इनके पीछे कुत्ते दौड़ाए, इनकी चूतड़ों पे ना 2 चिकन मांस चिपका दो, बांध दो बेल्ट पे, और उनके पीछे 4 भूखे रॉटवाइलर और 2 पिटबुल भी छोड़ो उनके पीछे सालों, क्योंकि यार ये क्या कर रहे हैं ना, ये डरा रहे हम जैसे मासूम लोगों को। सुबह उठो, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है, देखो तो ये लो जिंस्टा खान का मैसेज आया हुआ है, जिसमें जिंस्टा खान नंगा खड़ा हुआ है पूरा, और कह रहा है कि रिजुविनेट योर सेल्फ, मसाज दूंगा तुम्हें घर पे आके। अबे क्यों देगा तू मसाज मुझे, मेरे को तो नहीं चाहिए मसाज, पर मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ यार, फोटो ही तो है। लेकिन जो भी है, बहुत ही भयानक फोटो है यार, मैं जो बोल रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, अगर आपको भी कोई, आपकी जिंदगी में भी कोई जिंस्टा खान है तो साड़ों को उधर ही ब्लॉक मारो, उधर ही साले को ब्लॉक करो, और मतलब ऐसा ब्लॉक करो कि साला, मतलब कि इंस्टाग्राम से ब्लॉक करो उसको, कुछ तो करो, मेल डालो, जो करना गवर्नमेंट पे केस डाल, जो करना है करो यार, बस कुछ करो ऐसे लोगों का। हाँ वो तो चलो ठीक है, अभी भी मैं यहाँ पे किलस रहा हूँ, वो जिंस्टा खान वहाँ बैठ के वही बकचोदी कर रहा हूँ, इंस्टा खान साला, चलो यार मैं जा रहा हूँ।